देखिए, केतु को जब स्वर भानु का कत्ल जब किया विष्णु जी ने अपने चक्र से, जब उसको हिस्से किए, तो सर वाला हिस्सा जो है वो दूर जाके गिरा, ठीक है। और वो लगा कौन सी लाइन में था? देवताओं की लाइन में लगा था। तो देवताओं की लाइन में लगा था तो धड़ तो वहीं गिर जाएगा ना जहां देवता खड़े हैं, लाइन में ही। धड़ तो उछल के दूसरी जगह जाएगा नहीं, वहीं गिर जाएगा। तो आपके केतु को हमेशा रिक्वायर्ड होता है गुरु का पैर। केतु को शांति मिलती है सिर्फ गुरु के चरणों में, भगवान के पैरों में, ठीक है। जब तक आप किसी को भगवान नहीं बना लो, इसको दूसरे तरीके से समझिए, जब तक आप किसी दूसरे को भगवान नहीं बना लो, इस केतु को शांति नहीं मिलती। तो सचिन तेंदुलकर से पूछो तुम्हारा भगवान कौन, तो वो क्या बोलेगा? राम जी थे। क्या बोलेगा वो? क्रिकेट मेरा भगवान ये बैट है, मेरा भगवान ये बैट है, इसने मुझे दिया जो कुछ दिया। तो आप किसी को भी भगवान, आप कोडिंग को भगवान बना लो अपना। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ कोडिंग करनी है। मेरे जैसा कोडर पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। आप कोडिंग के भगवान, कोडिंग को भगवान बना लो और उसकी साधना में लग जाओ, आपका केतु अच्छा हो। देखिए, समझिए इस चीज को, बहुत बहुत तरीके से समझा जा सकता है। वैसे तो केतु अंधा है, ठीक है, इसको आंखों से दिखाई नहीं देता। आप सड़क पे किसी ब्लाइंड आदमी को देखो कभी, अगर वो सड़क के बीच में खड़ा है, उसको कोई टक्कर मार दे तो वो घूम जाएगा ना, जहां खड़ा है वहां पे वो घूम जाएगा ना। तो जब वो घूम जाएगा तो वो खुद कौन सी दिशा में गया उसको पता होगा? नहीं पता होगा ना। तो केतु भ्रमित रहता है हमेशा। भ्रमित क्यों रहता है, समझ में आया? क्योंकि उसको दिखता नहीं। उसे क्या दिखता है? उसे बंद आंखों से दिखता है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है ना, उसको बंद आंखों से दिखता है। तो जिसको बंद आंखों से जो दिखे वो केतु है, जो खुली आंखों से दिखे वो राहु है। अब यहां पे राहु को लिटरल सेंस में मत ले लेना, राहु को तो हम उस तरीके से नहीं ले रहे। क्या आप बोलोगे दिखना राहु है? हाँ, इमेज बनती है, राहु प्रतिबिंब है, ठीक है। अब केतु को क्या चाहिए? केतु को चाहिए एक आदमी जो जिसपे वो भरोसा कर सके और वो उसको सड़क पार करा दे। तो एक अंधे आदमी को अगर आप सड़क पार करा देते तो आप उसके लिए भगवान हुए कि नहीं हुए, बताओ भाई, हुए कि नहीं हुए? तो हुए केतु को एक सहारा चाहिए होता है, और वो क्योंकि बेचारा अंधा है इसलिए वो किसी पे भी भरोसा कर लेता है। आप उसकी जेब काटने जाओ, लेकिन उसको बोलो आओ भाई साहब मैं आपको सड़क पार करा देता हूं, आप उसको सड़क पार कराओगे, पीछे से उसकी जेब काट लोगे। उसने आप पे भरोसा किया, आपने उसके साथ धोखा किया, यही हुआ ना। इसीलिए केतु वाले सारी जिंदगी धोखा खाते हैं, क्योंकि उन बेचारों को दिखता नहीं। 7 नंबर वाले जितने लोग हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते, 7 नंबर वाले लोग जिंदगी में धोखा खाने के लिए बने। लेकिन इसके साथ एक चक्कर है। चक्कर क्या है पता है? उसने तो आपको भगवान माना था, आपने उसकी जेब काट ली। तो ऊपर जो असली वाला भगवान बैठा है ना, वो देखता है कि मेरा बच्चा था, मैंने तुझे अपनी जगह दी कि तू आज इस बच्चे के लिए मेरा भगवान, इसके लिए बच्चे के लिए भगवान बन जा। मैंने तुझे अपनी सीट दे दी और तूने उसकी जेब काट ली। मैंने तुम्हें पोस्ट दी 1 घंटे के लिए सड़क पार करने के लिए, 1 दिन के लिए, तूने मेरे बच्चे की जेब काट ली, अब मैं तुझे देखूंगा बेटा। तो जो लोग 7 नंबर वाले को या केतु को धोखा देते हैं, उस दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते। अगर आपने कभी गलती से किसी 7 नंबर वाले को या केतु वाले को धोखा दे दिया, उसको तो कुछ नहीं होगा, उसको तो प्रगति है, उसने धोखा खाना ही है, खा लिया कोई बात, वो आपको कुछ कहेगा भी नहीं, वो माफ भी कर देगा। लेकिन जो उसका भगवान बैठा है ना ऊपर, वो माफ नहीं करता। अगर आपने 7 नंबर वाले को धोखा दिया तो अगले दिन से आपका पतन शुरू।
यू विल बी फिनिश्ड वेरी सून। इसलिए 7 नंबर वालों को या केतु वालों को धोखा नहीं देना चाहिए। है आप लोगों में से कोई 7 नंबर वाला, 7, 16, 25 वाला कोई है? हाँ, यस सर, मैं हूँ सर। तुम्हारे को जिसने धोखा दिया कभी तुमने पीछे पलट के नहीं देखा ना उसका क्या हुआ बाद में? सर मैं मतलब ही नहीं रखता हूँ सर। क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं किस तरह देखना है। केतु को क्या पता कौन से हिस्से से आया था, कौन सी दिशा से आया था, कौन धोखा देके चला गया? तुम अगर चाहो भी तो तुम मुड़ के नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हें तो दिशा भ्रम है। ठीक हाँ सर, कंफ्यूजन है, बहुत। इसलिए तुम वापस मुड़ के कभी नहीं देखोगे। लेकिन अगर कभी गलती से खबर मिल जाए तो पता कर लेना जिसने तुम्हें धोखा दिया वो पीछे से बर्बाद हो गया। मैं भी 7 नंबर वाला हूं, 7 अगस्त का मेरा जन्म है, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। जिससे एक बार बिगड़ गई मैं उसकी तरफ मुड़ के वापस नहीं देखता। 7 नंबर वाला कभी वापस मुड़ के पीछे नहीं देखता। और जिसने हमारे साथ पंगा लिया उसका बचता कुछ नहीं, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते। केतु को भगवान साधता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। केतु को भगवान साधता है। अगर तुम केतु को धोखा दे रहे हो तो वो भगवान अपने ऊपर ले लेता तुमने मुझे धोखा दिया। क्योंकि आप उसको धोखा दोगे तो कैसे दोगे? उसका अपना बन के दोगे ना, धोखा देने के लिए अपना बनना पड़ेगा। मेरा दोस्त बन गए, मेरा रिश्तेदार बन गए, मेरे पार्टनर बन गए, चीट कर लिया, धोखा दे दिया, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे पता ही नहीं तुम हो कौन, मैं तो अंधा हूं। लेकिन तुम्हारा हिसाब हो जाए। और अगर किसी का शनि केतु जुड़ा हुआ है और उसको अगर किसी ने धोखा दे दिया तो जिसने धोखा दिया उसके बहुत जल्दी दुकान बंद होने वाली, उसके काम धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? शनि कर्म है, तुमने कर्म में धोखा दिया तो तुम्हारा कर्म बंद हो जाएगा। तो केतु जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसको छुड़वा देता है। आपकी पत्री में केतु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से जुड़ी हुई चीजों को छुड़वा देगा। सर 8 हाउस मैंने और जो उषा जी ट्वेल्थ को 10 चीजें हाउस बताई, हो सकता है 10 चीजें मैं और बता सकता हूँ, इनकी उसमें से कोई चीज निकलेगी। हो सकता है मैंने जो 10 बताई उनमें से ना निकले, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक, मैंने सारी थोड़ी बता दी अभी, है ना? तो इतनी जल्दी फैसले में मत बात। पहुंचे, जो हाँ बता रहा हूं वो टेस्ट कर लीजिएगा। कभी कभी चीज ना हाथ-हाथ समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो जरूरी थोड़ी हाथ-हाथ उसी समय दिमाग में कोई चीज आ ही जाए, आपने पूछी और मेरे दिमाग में आई गई, नहीं आती ना ये लोग। चलो अब आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सेकेंड हाउस वाले कैसे होंगे? कहीं पे कोई भी बात चल रही होगी, इनको अपनी बात करने से कोई नहीं रोक सकता। बात चल रही होगी कि फिल्म देखने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, गोलगप्पे वहां पे खाएंगे, ये सब चल रहा है, ये बीच में अपने आप में बीच में कुछ भी बोल पड़ेंगे। जिसका ना मार्केट से जाना, शॉपिंग से जाना, उनसे बातों से कोई लेना देना नहीं। क्यों? बात करेंगे तो अलग करेंगे ना, तो माहौल क्या चल रहा है शॉपिंग का, फिल्म देखने जाने का, ये बीच में अचानक से बोलेंगे शादी की तैयारी हो रही है, तुम्हारी बेटी की शादी तय हो रही है। अरे भाई यहाँ पे उस बात का क्या मतलब है? अभी तो माहौल दूसरा वाला चल रहा है। सेकेंड हाउस बोलने वाले जब बोलेंगे, थोड़ा सा बुरा मत मानना उषा जी, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। केतु नहीं, ठीक बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम तो समझ ही रहे हैं। केतु केतु धार है, शार्प एच, ये जब बोलेंगे सामने वाले के दिल में चुभेगा सीधा जा, वाणी में वो केतु का फ्लेवर आ जाएगा। ये बात सही है, सही ठीक कह रहे है, हो। मैं बोलना नहीं नहीं चाहता था, अब आपने बोल चैलेंज दे दिया तो मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं चैलेंज की बात नहीं सर, जो चीज की हमें हमें भी बताना है आपको। सही सामने वाले के सीने में चुभ जाएगी बात, और वो जो सोच रहा होगा ना उसके सोचने का तरीका बदल देंगे ये। अरे यार मैं तो सोच ही रहा था कुछ, इसने तो कुछ और ही बात कर दी। इतनी तेज करेगी वो चीज घात कि सामने वाले के इनके बारे में सोचने का तरीका बदल जाए, या वो जो भी सोच रहा होगा उसका तरीका बदल जाए।